नरसिंहपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ जब्त करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने दो आरोपियों को 145 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त स्मैक की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि नरसिंहपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई कर नशे के धंधे में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है और अवैध मादक पदार्थ जब्त किए जा रहे हैं। नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर गाडरवाड़ा में चिचली रोड रेलवे फाटक के पास गाडरवाड़ा निवासी नशे का कारोबार करने वाले सुनील पिता सुरेश कुमार तिवारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से 30 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है जब्त की गई है। वहीं गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर और मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए ग्राम बोहानी के मिड़वारी माता मंदिर के पास घेराबंदी कर एक अन्य आरोपी नीलू उर्फ नीलेश पिता प्रेम कुमार कोरम निवासी ग्राम बमहोरी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 115 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 11 लाख 50 हजार रुपए है और एक देसी कट्टा भी जब्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट एवं आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इसके अलावा आज मैं सभी को ये अनुरोध करना चाहूँगा, सभी जिलावासियों को और सभी आपसे भी, कि इस क्रम में हमने एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर जिले में शुरू की है जिसका नंबर 7049141896 है, 7049141896। ये जो नंबर है, इस नंबर पर आप अवैध मादक पदार्थ के संबंधी जो व्यापारी हैं, जो खरीद फरोख्त होती है उसके लिए आप सूचना दे सकते हैं। ये नंबर 24 घंटे चालू रहेगा। इस नंबर पे जो भी सूचना करता जानकारी देगा उसका जो उसका नाम है, नंबर है, वो गुप्त रखा जाएगा और सूचना अच्छे देने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा। ये पूरी कोशिश नरसिंहपुर पुलिस की टीम द्वारा की जा रही है और सभी नरसिंहपुर जिले वासियों से मेरा ये अनुरोध है कि इस पहल में हमारे साथ जुड़ें और ये जो पूरा अवैध मादक पदार्थ का धंधा है इस जिले में चल रहा है, जो इस पे बंद कराने के लिए इस पे हमारा साथ दें।